हर साल की तरह इस साल भी हमने जम्मू के वृद्धाश्रम में राखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। तो हमारा हमेशा ही रहता है वृद्धों के साथ, कोई भी त्यौहार हम मनाते हैं। आज मेरे साथ राज स्वरूप हैं, शर्मा जी हैं, रैन जी हैं। मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद करता हूँ, ये हमारे सारे कार्यक्रम में आते हैं। तो आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को राखी की शुभकामनाएं देता हूं, लोगों से निवेदन करता हूं, माँ बाप से बढ़कर कोई सेवा नहीं, हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हम जब भी इधर आते हैं, वृद्धा आश्रम आते हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी भाई हैं, हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो मैं यही सभी लोगों को आपके माध्यम से राखी की शुभकामनाएं देता हूं, लोगों से निवेदन करता हूं, सभी बहनों को अपने भाई से प्यार करें और अपने माँ बाप की सेवा करें। अशोक वर्मा, यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो मैं आज सभी राज्यवासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम हर त्यौहार जो है, चाहे रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, ईद हो, जितने भी त्यौहार हैं, हम कभी वृद्धाश्रम में और कभी बाल आश्रम में आके हम यहाँ मनाते हैं। तो हमें इतना आनंद मिलता है यहाँ आके कि हमें ऐसे महसूस होता कि जैसे हम अपने परिवार के साथ ही त्यौहार मना रहे हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने लोगों को कि अपने घर में तो सभी त्यौहार मनाते हैं, मज़ा तब है जब आप इन लोगों के बीच आएँ और त्यौहार मनाएँ। क्योंकि ये वो लोग हैं जो बेचारे अपने घर बार छोड़ के यहाँ आए हैं, और ये जो वृद्ध आश्रम है ये ही इनका घर है। और मैं वृद्ध आश्रम के जो जहाँ ऑर्गेनाइजर कमेटी है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जो इनकी इतनी देखभाल करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, हर मुसीबत पे इनके साथ हैं। और बाकी मैं तकरीबन जो हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे वर्मा साहब हैं जो कि जंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, इन्हीं के बैनर तले हमने ये प्रोग्राम अभी किया है। और जो मेरे साथी मेरे साथ आए हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी आज